नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। हिंदुस्तान की राजनीति में जाति का जिक्र ना हो तो शायद हिंदुस्तान की राजनीति की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सीधे शब्दों में कहें तो हिंदुस्तान की राजनीति में जाति के जिक्र के बिना हिंदुस्तान की राजनीति की कल्पना करना भी असंभव है। अब ऐसा ही कुछ देखने को मिला है मध्य प्रदेश में, जहाँ अब किसानों को भी जातियों में बांटने का कार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल ने एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसी बात कही है जिससे उन्होंने किसानों को भी दो धड़ों में बांट दिया है, किसानों की भी जातियां बताने का कार्य किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि वो मध्य प्रदेश में एससी एसटी वर्ग के किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, किसान है, किसान देश का अन्नदाता है, किसान को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि किसान के खाद बीज तक अभी जितने महंगे हैं वो सस्ते हो जाने चाहिए, लेकिन मेरे सवाल ये है कि क्या किसानों को भी जाति में बांट देनी चाहिए? क्या सिर्फ एससी एसटी वर्ग के किसानों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए? बेशक आप उनको दें, एससी एसटी वर्ग को भी दें, वो देश के नागरिक हैं, लेकिन ओबीसी और जनरल वालों का क्या कसूर? क्या सरकार को किसानों का जातिगत बंटवारा करना चाहिए? सरकार जब बिजली मुफ्त बिजली बिल की बात करी है तो यह संपूर्ण सद्भाव संपूर्ण समाज के लिए क्यों नहीं है? सरकार ऐसा क्यों नहीं कहती कि मध्य प्रदेश के सभी किसानों को मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त बिजली देगी, मुफ्त बिजली का बिजली देंगी, उसका कोई भी बिल नहीं लगेगा? तो क्या सरकार अब योजनाओं का भी राजनीतिकरण करती है? क्या देश की योजनाएं भी अब जाति के आधार पर बनेंगी और उनका भी राजनीतिकरण होगा? अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट बॉक्स पर बता भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के एससी एसटी वर्ग के किसानों को बिजली मुफ्त देने जा रही है। इस कदम का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मांग ये भी है हमारी संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ कि यह योजना मध्य प्रदेश के सभी किसानों को दिया जाए, इसका लाभ सभी किसानों को मिले। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।